नमस्कार दोस्तों, इला जयसवास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे भराली राजगीरे के आटे के पकोड़े। ये पकोड़े एकदम टेस्टी होते हैं और फटाफट से बन जाते हैं। तो चलिए पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में एक कप राजगीरे का आटा लेंगे, उसमें एक चॉप की हुई हरी मिर्च डालेंगे, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, एक टीस्पून जीरा क्रश करके डालेंगे, एक टीस्पून अजवाइन भी हाथ से क्रश करके डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, एक टीस्पून से आधा नमक डालेंगे, एक छोटा सा चॉप किया हुआ आलू डालेंगे। इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और बैटर बनाना स्टार्ट करेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी हमें ज्यादा पतली नहीं करनी है। तो हमारा बैटर एकदम रेडी हो गया है। अब हम गरम तेल में छोटे छोटे पकौड़े फ्राई करने के लिए रखेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। उसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। डेढ़ मिनट बाद हम उसे घुमाते हुए फ्राई करेंगे। हमारे पकौड़े हल्के से रेडिश ब्राउन हो गए हैं, उसे बाहर निकाल लेते हैं। उसी तरह से हम सारे पकौड़े फ्राई कर लेंगे। हमारे भराली राजगीरे के आटे के पकोड़े सर्व करने के लिए तैयार हैं। ये पकोड़े घर पर बनाकर ट्राई करें और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर करें। ऐसी नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।